जैसे कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि एप्लीकेशन कोई भी एडिटिंग करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन का ज़रूरी पड़ता है। तो जैसे कि दोस्तों हर यूट्यूबर का जैसे कि जो एडिटिंग करना चाहता है अपने बीट शॉर्ट वीडियो के लिए या कोई भी वीडियो के लिए तो एडिटिंग का ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैनवास मास्टर के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों इसका वाटर मार्क आप अगर नहीं देखना चाहते हैं तो जैसे कि दोस्तों उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पे से डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि उसमें वाटरमार्क नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें डिजिट विन सर्च करना है, डिजिट विन हमें सर्च कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर ही दिखा देगा कि मास मास्टर मूड APK क्रोम वीडियो 2022 का दिखा देगा। तो ये सिंपल साइज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें ऑप्शन दिखाए, डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो हमें सिंपल से यहाँ पे टाइप कर देना है डाउनलोड पे। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाता है, कैनवास मास्टर मूड, दो कैनवास मास्टर मूड का मिलेगा, दो कैनवास मास्टर प्रो वर्जन का मिलेगा। तो इसमें जैसे कि आपको जो अच्छा लगे, जैसे कि प्रो वर्जन तभी लोड करिएगा जब आपका मोबाइल ज़्यादा 5GB 6GB रैम का हो तब। अगर आपका उतना रैम नहीं है, 2GB 3GB रैम है, तो आप मूड का लोड कर सकते हैं। ये अच्छा एप्लीकेशन है, काम करता है, तो आप लोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा जैसे कि दोस्तों आप ये भी लोड कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो आप बता दें कि हमें यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए मैं भी वहीं से लोड किया हूँ, तो आपको दिखाते हैं कि यूज हमें कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल सा कैनवास मास्टर हमें ओपन कर लेना है। देख सकते हैं कैनवास मास्टर ओपन कर लिया। तो जैसे दोस्तों मैंने 916 सिलेक्ट कर लिया, मैंने 969 सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो आप इसी तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे आपको जो सा वीडियो अच्छा लगे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिसको आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वीडियो। आप जैसे कि दोस्तों हमें इसमें तरह तरह की एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि जैसे इसमें हमें कट करना है, बीच में अगर कट करना है तो आपको ट्रिम हिट लेफ्ट दिखेगा। तो अब इस तरीके से जैसे कि इसको ऊपर की तरफ का जो ऑप्शन दिया गया इसको अगर टिपेंगे तो इस तरफ के कट जाएगा, देख सकते हैं। अगर बाय चांस अगर आपको कोई मिस्टेक हो गया तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप रिटर्न भी मंगा सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आप तो आपको ये कैंची का ऑप्शन समझ में आ गया। जैसे कि दोस्तों हमें बीच में कट करना है तो बीच में भी कट कर सकते हैं, देख सकते हैं कट हो चुका है। तो अब इस तरीके से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि दोस्तों आवाज़ हमें अच्छा क्वालिटी करना है, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आवाज़ जैसे कि 200 पॉइंट भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, 200 पॉइंट इसको रख सकते हैं। और आवाज़ को आपको बेहतरीन बनाना है तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। हम लोग ज़्यादा स्टूडियो जैसे कि स्टूडियो का ऑप्शन में रखते हैं। आपको जो सा भी अच्छा लगे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे दोस्तों इसमें देख सकते हैं, इसको ओपन करने के बाद हल्का धुंधला हो जाएगा। और इसको आवाज़ भी सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है हमें। तो जैसे कि दोस्तों एक और एप्लीकेशन बता देता हूँ जिसका नाम है इनशॉट, वो हमें कहाँ से लोड करना है। जैसे कि दो दो शॉट भी रहेगा तो आसानी रहेगा, बाय चांस कुछ खराबी आ जाता है तो उसके लिए। जैसे कि दोस्तों आपको वो भी बता देते हैं कि हमें कहाँ से, तो वो प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा आपको। इनशॉट वीडियो एडिटिंग देख सकते हैं, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ओपन का ऑप्शन दे रहा है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों में तीन ऑप्शन मिलता है, तो फिलहाल मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं वीडियो सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप यहाँ पे न्यू वीडियो, आपको जो पुराना वीडियो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल न्यू वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू वीडियो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे रेशियो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं इस पे भी वैसे 969 960 34।
तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते आ चुका है। यहाँ से म्यूजिक लगा सकते हैं, यहाँ से आप एनिमेशन तरह तरह के लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप दूसरा फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कट कर सकते हैं जो पार्ट आपको ख़राब लगे, ये बीच में से कट कर सकते हैं कहीं से भी। अगर कोई जैसे कि यहाँ से पार्ट डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख सकते हैं चेंज हो रहा है, तो इसी हिसाब से आप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्पीड कितना रखना है आपको वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, जेन्युइन एप्लीकेशन है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जैसे दोस्तों, अब हमें सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए सिंपल सा इस पर टाइप करना है हमें। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कौन सा, जैसे कि 1080 380, जैसे कि आपको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप सेव कर सकते हैं अपने गैलरी में। तो सिंपल सा मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब इसको सेव कर देता हूँ, सिंपल सा सेव होने लगेगा। तो इसी तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो जैसे कि दोस्तों, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा किनवास मास्टर के ऊपर और इनशॉट के ऊपर, तो आप जा करके देख लीजिएगा, यह वीडियो कल आ जाएगा। ठीक है।